नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए खाद्य लाइसेंस देना अनिवार्य है। जो व्यापारी प्रतिदिन 100 किलोग्राम या इससे अधिक मात्रा के खाद्य पदार्थ का निर्माण, रीपैक एवं बिक्री करते हैं, उनके पंजीयन के लिए ₹3,000 प्रतिवर्ष की राशि निर्धारित की गई है। प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए या उससे अधिक का कारोबार करने वालों के लिए भी पंजीयन कराना तथा खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए ₹2,000 प्रतिवर्ष का शुल्क निर्धारित किया गया है। बिना पंजीयन तथा बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का व्यापार करने पर 6 माह की सजा तथा अधिकतम ₹5,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी साबिर अली ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत ऑनलाइन पंजीयन करके लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। पंजीयन कराने पर अधिकतम 5 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया जाता है। खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले व्यक्ति MP ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर अथवा फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर आवश्यक जानकारी दर्ज कराकर पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य विभाग की वेबसाइट में इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। खाद्य कारोबारी ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे खाद्य लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थों के कारोबार में दूध विक्रेता, किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, खाद्य पदार्थों की एजेंसी, फल सब्जी विक्रेता, पानीपुरी, चाट एवं अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले, पान गुमटी, पान मसाला विक्रेता, जूस सेंटर, आइसक्रीम, नमकीन आदि बेचने वाले शामिल हैं। इसी तरह मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह, उचित मूल्य दुकानें, शादी तथा अन्य अवसरों पर खाना बनाने वाले केटर्स एवं हलवाई, टिफिन सेंटर, अंडा एवं मटन बिक्री करने वाले वेयर हाउस, लॉटर हाउस, अनाज व्यापारी, आटा एवं मसाला चक्की, मावा पनीर एवं मिठाई के निर्माता तथा विक्रेता, तथा स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शासकीय तथा निजी संस्थानों में संचालित कैंटीन के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मंदिरों के आसपास तथा अन्य स्थानों में प्रसाद के निर्माण तथा बिक्री करने वालों के लिए भी पंजीयन आवश्यक है। निर्धारित राशि तथा आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ वैध परिचय पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो तथा दुकान के पते अथवा घर के पते के सत्यापन के लिए दस्तावेज देने होंगे।